स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसा कि आप जानते हैं, नाइलेट के थ्रू ओ लेवल का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। जो भी स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट देखना चाहते हैं, आई होप अभी तक आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है, कोई रह भी गया है, तो वो अपना जो रिजल्ट है वो इस पोर्टल के थ्रू बहुत ही इजी मेथड के थ्रू देख सकते हैं। जिसमें कि क्या करना होगा, आपको अपने ब्राउजर पर जाकर student.nilet.gov.in की वेबसाइट को ओपन करना होगा। ठीक है, सिंपल सी प्रोसेस है। आई होप अब तो आप, अगर आप लोगों ने वो लेवल फाइनल क्लियर करा होगा, तो ये रिजल्ट देखना तो आपको आता होगा। बट फिर भी एक स्मॉल इन्फॉर्मेशन, अगर कोई भूल गया है रिजल्ट कैसे देखना है, तो उसके लिए ये वीडियो आप वापस देख सकते हैं। अगर देख लिया है तो जो जिन स्टूडेंट्स ने क्लियर कर लिया अपने 4 पेपर्स, उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड अभी तक नहीं देखा है तो फिर वो अपना रिजल्ट देख ले, और रिजल्ट देखने के बाद अगर पास होते हैं तो उनके लिए भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, तो आपको करना क्या होगा, यहाँ व्यू रिजल्ट में जाना होगा। व्यू रिजल्ट में जाने के बाद आपको आपका जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मॉड्यूल है उसे सेलेक्ट करना होगा, ओ ए बी सी। तो हमारा तो ओ लेवल का है, ओ लेवल को हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने 3 ऑप्शंस मिलेंगे, सर्च बाय रोल नंबर, सर्च बाय कैंडिडेट नेम, सर्च बाय रजिस्ट्रेशन नंबर। तो आपके पास जो भी अवेलेबल हो, आप उसके थ्रू क्या कर सकते हैं, रिजल्ट देख सकते हैं। जैसे आप कैंडिडेट के नेम के थ्रू भी देख सकते हैं, उसमें क्या क्या डिटेल्स आपको फिल करनी होगी, एग्जामिनेशन ईयर कौन सा था, एग्जामिनेशन नेम कौन सा है, कैंडिडेट का नेम क्या है, DOB क्या है, कैप्चा कोड क्या है। ठीक है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, आपने जब रजिस्ट्रेशन करवाया था स्टार्टिंग में वो लेवल में, तब आपके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया था, आप उसके थ्रू भी अपना रिजल्ट देख सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने रोल नंबर के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, अपना रिजल्ट देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम किसी भी एक मेथड के थ्रू हमारा ओ लेवल का रिजल्ट देखना है। चलिए हम इसमें देखते हैं हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू करना होगा तो हम इस पर क्लिक करेंगे। फिर हमें देखना होगा एग्जामिनेशन ईयर कौन सा था, 22 में तो आपके एग्जाम्स पोस्टपोन्ड हो गए, 21 वाला जो भी ईयर है आपको सेलेक्ट करना होगा, तभी आप अपना जो रिजल्ट है वो देख सकते हैं। अब आपको जैन 2021 का देखना था या जुलाई का देखना था, तो आपने जुलाई पर क्लिक करा। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप अपना वो रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे जो कि आपको स्टार्टिंग में दिया गया था जब आपने फॉर्म फिल करा था, वही यहाँ पे यूजफुल रहेगा। देन उसके बाद आपको DOB फिल करनी होगी, वो DOB आपको यहाँ पे कैलेंडर से फिल करनी होगी, ना कि टाइप करनी होगी। अगर आप टाइप करेंगे तो आपकी DOB वैलिड नहीं रहेगी, मान्य नहीं रहेगी, फिर आपका क्या रहेगा, इशू रहेगा, आप अपना रिजल्ट देख नहीं पाएंगे। ठीक है, DOB आपको यहाँ से फिल करनी होगी, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। सबसे पहले ईयर सेलेक्ट किया जाएगा आपका, उसके बाद आपको आपकी डेट मंथ फिल करना होगा, देन उसके बाद आपकी डेट फिल होगी। ठीक है, तो जब आप अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे तब ही आपका रिजल्ट शो करवाया जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद ये जो आपको बॉटम में कैप्चा कोड दिख रहा है 5, वो कोड आपको एंटर करना होगा, तभी आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। ठीक है, व्यू पे जाएंगे, तो व्यू पे जाने के बाद आपका जो भी रिजल्ट है वो आपको शो करवा दिया जाएगा, आपके डिटेल्स के साथ कि आपके प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन में कितने आए हैं, आपके प्रैक्टिकल में कितने आए हैं, आपके IoT जो आपका थ्योरी का कंपलसरी मॉड्यूल था उसमें क्या आपकी ग्रेड आई है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ग्रेड मिल जाएगी। उसके बाद अगर आप इसका प्रिंट लेना चाहते हो तो प्रिंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सिंपल सी प्रोसेस के साथ आप क्या कर सकते हैं, अपना पूरा रिजल्ट देख सकते हैं। अब ऐसे स्टूडेंट्स जिनके 4 मॉड्यूल्स क्लियर हो गए हैं, उन्हें क्या करना होगा, नाइलेट को अपना एक प्रोजेक्ट सबमिट करवाना होगा। आप किसी भी मॉड्यूल पर अपना एक प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर सकते हैं, चाहे तो पाइथन पे, चाहे IoT पे, या चाहे आप HTML का कोई वेबसाइट डिज़ाइन करके उसका प्रोजेक्ट डिज़ाइन करके, जो भी नाइलेट की गाइडलाइंस हैं प्रोजेक्ट के लिए उनको फॉलो करें, और जल्द से जल्द अपना प्रोजेक्ट नाइलेट को सबमिट करवा दें, ताकि आपका ओ लेवल का सर्टिफिकेट आपको जल्दी से मिल जाए। तो आई होप इस वीडियो में के थ्रू आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, आपका रिजल्ट कैसे निकालते हैं, और साथ ही आपको प्रोजेक्ट कब तक सबमिट करवाना है ये भी। जल्दी से जल्दी अगर आप अपना प्रोजेक्ट सबमिट करवाते हैं तो आपको जल्दी से जल्दी आपका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो इस वीडियो में तो इतने, फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।